नमस्कार नमस्कार, मैं आपका प्यारा दोस्त सपन और आप देख रहे भैया बकचोदी में आपका स्वागत है। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, गलती से किसी कारणवश मेरे से वीडियो डिलीट हो गया, तो आज मैं सोचा है कि दूसरा वीडियो बनाता हूँ। कल का इसलिए पोस्ट नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली जो अभी माहौल आप देश का देख रहे, बिहार बिहार के लोगों को मार के भगाया जा रहा है, आज मेरी टॉपिक उसके ऊपर है। तो फिलहाल मेरा नाम तो सपन है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, आजमगढ़ जिले से, और मुंबई में तकरीबन 15-16 साल से, मतलब कि 10-15 साल से मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुझे मराठी अच्छे से आती है। अब बात करते हैं यूपी और बिहार और कोलकाता के लोगों की। ये लोग बोल रहे हैं मार रहे हैं मार रहे हैं, अच्छी बात है मार रहे हैं इनको, ये बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। पर अच्छी बात क्या मैं आगे बताऊंगा, पहले मार क्यों रहे हैं ये जान लीजिए। कोई बोलता है होली पे गाँव नहीं जाने दे रहे इसलिए मार रहे हैं, चलो अच्छी बात मानते हैं आपकी बात। मारा किसी एक को, 100 लोगों का बयान लीजिए, कैमरा माइक घुमाइए, 100 लोग 100 तरह की बातें करेंगे, अपने आप को पॉपुलर और अपने आप को टीवी पे आने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, इनके बिहार में सबसे फेमस जो त्योहार होता है छठ पूजा, जो सबसे पॉपुलर और फेमस त्योहार होती है छठ पूजा, जो कि हमको भी पता है, हम यूपी से है तो हमको पता है। और जो इनकी त्योहार होती है ना, उनमें ये लोग बहुत ही पैसे खर्चे करते हैं और बहुत ही इज्जत से मनाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में गणपति, कोलकाता का दुर्गा पूजा, साउथ में अयप्पा स्वामी मंदिर है, तिरुपति बालाजी है, और भी इनके त्यौहार है। यूपी में भी देखे तो दशहरा भी अच्छे से मनाई जाती है, तो ऐसा इनकी तरफ भी कुछ अच्छी त्योहारें होती है जो कि छठ बोलती है, ये लोग दिवाली से ज़्यादा उसको अहमियत देते हैं। तो जब ये दिवाली छठ में जाते हैं तो पूरा स्टेट खाली होता है, तो तब इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। आज एक होली, होली के लिए गांव जा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि हमको होली में जाने से मना कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो एक तो पहले होते फेक अफवाह है, फेक न्यूज है। दूसरी बात, अगर किसी चीज के लिए कोई आंदोलन होता है या स्ट्राइक होता है तो इनमें उनको ये लोग साथ नहीं देते। एग्जाम्पल के तौर पे मुंबई में, मैं यही की बात बता रहा हूँ, मैं वहां का दूसरे राज्य की बात नहीं कर रहा, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। एक मराठी आदमी जब जॉब के लिए जाता है किसी ऑफिस में किसी कारखाने में, तो अपनी अमाउंट तय करता है, सर मैं 1,000 रुपये लूंगा, 1,200 रुपये लूंगा, 1,500 लूंगा, एक्स वाई जेड जो भी उसकी अमाउंट हो। बट वहीं पे अगर एक बिहारी आता है, एक बंगाली आता है, तो 600 में काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये तो गलत है, कहीं ना कहीं जो आदमी 1,000 का काम करता था, उसी आदमी को 600 में नौकरी के बाद में आप बोलते हो सर पगार बढ़ाओ पगार बढ़ाओ, हम यहाँ काम नहीं करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। ये चीज आपको देखनी चाहिए कि जो मैं इनके साथ कर रहा हूँ, इन लोगों के साथ जो यहाँ के लोकल जिसको बोला जाता है, तो वो किसके लिए लड़ रहे हैं कि भाई हमें 1,000 मिल रहा है, जो बिहारी है उसको भी 1,000 मिले, वो सबके लिए लड़ रहे हैं। अकेले के तो नहीं बोलते ना भाई कि बिहारी को 800 दो, बंगाली को 500 दो, भैया को 700 दो, मुझे 1,000 दो। आपने कभी ऐसा सुना क्या, कभी किसी जगह पे जब कोई मतलब कि आंदोलन होता है या स्ट्राइक होती है तो कभी आपने सुना? वो सबके लिए एक के लिए एक आवाज उठाते हैं, मगर किसी भी आंदोलन में आपने देखा होगा कोई बिहारी शामिल नहीं होता, कोई बंगाली शामिल नहीं होता, तो भैया के यूपी के लोग शामिल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, अपने काम से मतलब है। शायद मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, बट जो सच है वही सच है। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको देख रहा हूँ, लाइफ का मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लॉकडाउन की बात है। आपको घर जाने के लिए पैसे नहीं थे, आप साइकिल से चले गए, अच्छी बात थी। कोई ऑटो से गया, कोई बस में बैठ के गया, कोई ट्रक में बैठ के गया। आपको पता नहीं है कि भिवंडी से जो ट्रकें जा रही थी, बस एक आदमी का पर आदमी के पीछे 3,000 4,000 देखे जा रहे थे। और आपको दारू पीने के लिए पैसे हो सकते हैं, 10 दिन बैठ के खाने के लिए पैसे नहीं हो सकते, तो भाई आपने इतने साल कमाया, आपको पैसे गए किधर? यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको छूट दिया था, रहना पीना खाना कुछ बिजली फ्री कर दिया, रूम का ओनर कमीने का रूम का भाड़ा छोड़ दिया, तो सारी फैसिलिटी आपको मिल रही थी। ये तो नहीं कि आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, उसके बावजूद भी आपको इन लोगों को बीच रास्ते में छोड़ के, यानी कि पैसे चाहिए तो मैं मराठी साउथ वाले के पास जाके काम करूं, जब मेरा मतलब निकल गया तो उनके गाड़ पे लात मार के मैं छोड़ दूं। बिहारी की भी गलती है, यूपी वाले की भी गलती है, बंगाली की गलती है। अब इन्होंने 20 को मारा, एक हाथ से कोई ताली नहीं बजती, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग बस, मैंने जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देखे चाहे या न्यूज देखा हो, किसी को सच्चाई पता नहीं है, चाहे आप रहो या मैं रहो, मैं भी सुनी सुनी बात पे ही आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, और अदरवाइज जिसने भी जो वहां से काम करके आए हैं, मेरे दोस्त को मारा था। अरे भाई, तमिलनाडु इतना बड़ा राज्य है और इतने राज्य में हर आदमी को हर आदमी मार रहा था, मतलब कि उनकी आबादी इतनी नहीं है जितना आप लोगों की आबादी वहां पे, एक जॉब के लिए रहने के लिए, तो कितने आप झूठ बोल रहे हो ये आप खुद देख लीजिए, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है।
पब्लिक को सब पता है, आप उनके स्ट्राइक में शामिल नहीं होंगे तो भाई किसके लिए कर रहे हो? कि भाई अगर 1000 रुपया मेरा होता तो आपका भी 1000 रुपया और आपका 300 पगार बढ़ गई, हाँ तो आप उनके में शामिल तो होइए एटलीस्ट। आपको शामिल नहीं होना है, पैसे प्रॉपर चाहिए, जब मौका पड़ेगा उनको भी सस्ते में छोड़ दोगे, उनके साथ अपनापन नहीं दिखाओगे, चोरी चमारी करोगे, तो भाई कौन आपको इतना दिन साथ देगा? आपको कौन इतना दिन साथ देगा, बस मुझे यही जानना था। कोई साथ नहीं देता, बट इनको लगता है कि बस लेकिन न्यूज यूट्यूब पे कुछ भी बोल दो, कुछ भी बता दो, सब राइट है। आप एक पहलू देख रहे हो, दूसरा पहलू कौन दिखाएगा? मैं आपको दोनों पहलू को कंपेयर करने के लिए बोल रहा हूं, ये नहीं कि मेरी बातें सच है, आप खुद अपनी जगह पर रखिए। अगर ऐसा होता तो हर एक आदमी एक आदमी का साथ देता, सर आप करिए हम साथ में, हम भी 800 लेंगे आप भी 800 लीजिए। कोई कंपनी वाला बोल देता नहीं हम आपको काम नहीं देंगे, आप 500 में काम करते हो 400 में काम करते हो, हम मराठी आदमी बैठा रहता है 800 के लिए, किसके लिए कर रहा हो? हम सबके लिए। मगर ये चीज को कोई नहीं समझता, चाहे आप हो या मैं रहूं, बस हमको लगता है हमारा काम भर रहा है ना, बाकी सबको छोड़ दो। ये अपने जो दिल के अंदर आपके जो मेंटेलिटी में जो आपके दिमाग में बातें गई है ना, हम ठीक है बाकी सब छोड़ दो, ये अपने दिल और दिमाग से बातें आप पहले निकालो, पहली बात। दूसरी बात, जब कोई पड़ोसी होता तो अपना होता है, आप गांव छोड़े हो मुझे पाए हो, मैं आपका पड़ोसी हूँ, वो अपनापन भाई होता है, माँ होता है, बाप होता है, तो पहले आप अपनापन दिखाओ, सबसे पहली बात। तीसरी बात, जब भाईचारा होता है ना तो सपोर्ट दुनिया करती है, आप मेरे में खड़े नहीं रहोगे, मैं आप में खड़ा नहीं रहूंगा, हमने आपसे बोला छुट्टी करने के लिए स्ट्राइक करने के लिए, आपने नहीं किया, तो कहीं ना कहीं गलती तो आपकी दिख रही है। लोग बोलते भी है, मैं वहां की गवर्नमेंट से भी जानना चाहता हूं, ज्यादातर ISPCS बिहार से है, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हो, जितने ज्यादा बेईमानी काम बिहार में होती है, एक से एक हैकर है, नामी नामी हैकर है, चाहे लीगल हो या इलीगल हो, जो भी पकड़ सकते हो, जो आपको समझना समझ सकते हो। मजदूर सबसे ज्यादा बिहार से आते हैं, अब बात बताइए जिनके आप इतने काम की कमी हो, दूसरे हर इंडिया में कोई ऐसी जगह पे नहीं जहां बिहारी ना हो, उनको देखो कई नामों से बोला जाता है, कोई बोलता एक बिहारी 100 बीमारी, कोई बोलता एक बिहारी 100 पे भारी, कोई कुछ बोलता है, सबके अपने अपने ओपिनियन, सब अपने अपने राय है, अपने अपने राय सभी देते हैं, बट मुझे जहाँ तक नॉलेज, मैंने जहाँ तक सर्वे किया हूँ, तो मैं तो ये बोल सकता हूँ, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे कलकत्ता का हो, कहीं का भी हो, अगर जिस राज्य में काम के लिए गया है तो वहाँ के कायदे कानून को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके साथ में मिलना चाहिए, अगर कोई गलत हो रहा है तो उनको उनके साथ खड़े होकर साथ देना चाहिए, ना कि आप लड़ो हम अपना जॉब करेंगे। तो उन्होंने मारा, अगर इनका साथ न देना सही है तो उनका मारना भी सही है, मैं यही चीज़ बोल सकता आपसे, क्योंकि इनको लगता है कि बात करने से और भागने से प्रॉब्लम का रिजॉल्व है, ये गलत है, ये सरासर गलत है। अगर आप नॉलेज होता, दिमाग होता, आप साथ देते, किसके लिए था? आप 600 पर नौकरी कर रहे हो, आपके लिए 1000 रुपये का खड़ा था, यानी पर दिन आपको 400 बढ़ता है, यानी 4 × 4000 12000 आपका प्लस पड़ गया था, महीने की पगार 12000 ऐड होकर आपको मिलती, आपको सिर्फ आज की पगार की पड़ी थी, अगर आप उनके स्ट्राइक में शामिल होते तो आपको 12000 एक्स्ट्रा पे होकर के मिलता, तो 12000 में आपके वहाँ रूम का खाने का खर्चा, कपड़े खर्चा पूरा, मतलब 20000 अपने घर पे दे सकते थे, नहीं आपके 400 की दिहाड़ी नुकसान आपके लिए वही इंपॉर्टेंट थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज तो आपकी गलती है, कहीं ना कहीं आपकी ये चीज तो गलत है। तो जहां तक मुझे लगता है कि जितने भी बिहार के हो, राज्य के कहीं से भी, इंडिया से, ये हमारा घर है, हमारे में एक प्यार होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, एक दूसरे की सपोर्ट करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, बट आपको लगता है कि बस हमने ये कर दिया तो हम सक्सेस हैं, हमने वो कर दिया तो सक्सेस है, तो ये चीज नहीं है, ये आपकी सोच और आपकी मेंटेलिटी को सुधारिए पहले, सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट बात है कि आप अपने आप को पहले चेंज करिए, जिस राज्य में वहाँ के कल्चर अपनाइए, उनको अपना मानिए, बीच रस्ते को छोड़िए मत। लॉकडाउन में आपने सब देखा होगा, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आज केरला में हो रही है, तमिलनाडु में हो रहा, किस लिए हो रहा? क्योंकि इनके कारण खुद बिहार के लोग, खुद यूपी के लोग और खुद कोलकाता के लोग ये आपसे पैसा कमाते हो, उनके लिए वहां पे जो लोकल है उनको काम नहीं मिलता, उतने उनको परवरता नहीं है, आप वहां अकेला है, उनकी वहां पे माँ बाप बीबी बच्चे सबको देखना रहता है, 400 में कौन नौकरी करेगा? आपने उनको लत लगवाया। आप बोल अभी जाते हैं कारखाने में, मैं भी जाता हूँ मेरे ऑफिस में, सीधा मुझे बोला जाता है, क्या यार वो तो 500 में कर रहा, तो 1200 मांग रहा, जान दे मैं उसको रख लूंगा, क्यों? अगर वो भी 1200 बोलता ना तो झक मारा के उसको मुझे काम देना पड़ता, 1100 तो देता,
वो नहीं, उसका बाप भी मुझे 1100 में काम दे के देता। कभी आपने सोचा ये बातें? आपने बस इतने ही सोचा आज की पगार कहां से निकल जाए। एक जुट होने का आपका नाम नहीं। जिस दिन आप एक जुट होना सीख जाओगे ना, कोई किसी को नहीं मारेगा। और सबसे बड़ी होती इंसानियत, न जात न धर्म न पात, सबसे बड़ी होती इंसानियत। मगर खुद के लोगों में इंसानियत नहीं है तो क्या सिखाओगे आप? हर जगह पे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की सिसाई करते रहते हो। किसी धर्म में लिखा है क्या हमारे नाम पर पर्चा चिल्लाओ फाड़ो? किसी धर्म में लिखा? बांटने वाले हम ही लोग हैं, लड़ाने वाले भी हम ही लोग हैं। और आज इन बिहारियों को मार खाने के कारण खुद के खुद बिहारी, खुद के खुद मुंबई वाले, यूपी वाले, और खुद के खुद बंगाली खुद अपने करने की सजा खुद भोग रहे आज के वक्त में। किसी को पूरी स्टोरी नहीं पता है, सबकी मनगढ़ंत कहानी है, चाहे मैं रहूं चाहे वो मीडिया का कोई भी आदमी हो। जिसको मैं तो वहां पर जाके आया हूं, मैं वहां पर था अभी इसमें जब वहां का मैटर मुझे समझ में आया। बट ये मैटर के जिसको मारा गया काटा गया ये बात सच है, एक खास ताली नहीं बजी है, मारा गया है ये भी बात सच है। 3 साल पहले वीडियो का किसी बात का झगड़ा हुआ, उस वीडियो को आज के वीडियो बना के लोग पोस्ट कर दे रहे कि ये लेटेस्ट वीडियो है। तो ये कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, सोशल मीडिया के जरिए आप गलत अफवाह फैला रहे हो, एक दूसरे को दुश्मन बना रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी गलती आपके सामने आज नहीं कल आने वाली है। अभी मैंने एक वीडियो देखा कि एक बोल रहा है कि बिहारी को काट के फेंक देंगे। भाई वो का चिकन मटन है, उसके बाप ने कभी एक मच्छी नहीं काटा होगा। अब इनसे आदमी काटने की बात कर रहा चूतिया कहीं का, तो उसका क्या उसकी औकात है काटने की? ये मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। उसको लग रहा है पहले के माहौल 20 साल पहले अलग थे, तो जो कुछ कर दिया कर दिया। आपकी सरकार कैसी, यहाँ की स्टेट कैसी, यहाँ का सिचुएशन कैसा है, लॉ ऑर्डर कैसा, सबको पता है। बस कुत्ता भोंक दिया, बस भोंकना शुरू कर देते हो आप लोग। अरे अपने आप अभी भी चेंज करो, बदलो, एकजुट होने की आदत डालो। आप में जब एकता नहीं तो कोई भी आपको तोड़ के जाएगा। सबसे पहले खुद बदलना सीखो, फिर हम दूसरे को बोल सकते हैं कि वो सही था ये गलत था। अपनी करने की सजा दूसरे के ऊपर मत डालो, यही सबसे बड़ा है। और आज मैं इस बात पे मुझे दुख नहीं है, अफसोस है सिर्फ कि आज इनकी करने की सजा इन तीनों राज्यों को मिल रही है, चाहे यूपी का आदमी हो बिहार का आदमी। मुझे अफसोस है जो मारे गए उनके लिए दिल से मैं माफी भी मांगता हूं और अफसोस भी जताता हूं, मैं मौन व्रत भी रखता हूं। मगर कहीं ना कहीं कारण उनके खुद के अपने लोग ही हैं। इस बात को कोई नहीं सोचेगा कि भाई आज मारा किस वजह से मारा, कोई जानने की कोशिश किया? सिर्फ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो कि हमने 200 यहां पे काट के फेंक दिया। जब वहां पे खड़े थे तब क्यों नहीं बोले? मतलब जब अपने घर उतर गए तो उस गांव को उसकी बदनामी करना शुरू कर दिए। और जब तक हम वहां पे थे तो कोई तकलीफ नहीं थी, 4 साल कमाए तो कोई तकलीफ नहीं थी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और मारा किसी एक को तुम यानी सभी आके चिल्ला रहे हैं, बगल वाले को काट दिया, तुमने देखा? जिस जो चूतिया इंसान आके बोलता है उसको काटा फेंका, उस चूतिया से तेरे पास कोई सबूत है या तूने देखा? उसका सबूत दिखा मेरे को। बस कुत्ते ये सब भोंकना शुरू कर दिया और जितने कैमरा माइक लेके उसके मुंह में घुसेड़ के पूछने के लिए बैठ जाते हैं कि भाई बताओ। और वो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, हीरो बनने के लिए कुछ भी बोल देता है, कुछ भी, कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं। तो तू है कैसा? जिसकी वजह से 4 साल तेरी बीवी के कपड़े मिले, जिसके वजह से तेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे 4 साल, जिसके वजह से तू 4 साल जी के खाया, तो उसकी बुराई कर सकता है? तो तेरी औकात क्या है? ये आदमी आधा आदमी को समझाने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी, अपनी गलती एक्सेप्ट किया आप लोगों ने? नहीं किए। लोग आते हैं, मेरे पड़ोस की बात है, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, यूपी का था। 3 महीने का राशन खाया 18,000 रुपये, 2 महीने का रूम का भाड़ा, रात रात घर छोड़ के गायब हो गया। अब बताइए 18,000 रुपये जिस आदमी का कोई खा के भागेगा? मैं भी यूपी का ही हूं, आजमगढ़ जिले से बिलोंग करता हूं। तो कल को कोई दूसरा अगर भैया यूपी वाला रहेगा तो वो आदमी उस आदमी को ट्रस्ट करेगा क्या? कमेंट बॉक्स में मेरे सवाल का आंसर जरूर दीजिएगा आप लोगों से। मैं 1000 बार बोल के रखा हूं कि अगर मेरा एक गांव का आदमी एक आदमी का 18,000 खा के भाग जाएगा तो दूसरा आदमी अगर कोई उसी जात स्टेट से आएगा तो वो आदमी उस पर भरोसा करेगा क्या? यस या नो, सिंपल सा सवाल है मेरा। मैं इतना बड़ा सा सवाल नहीं पूछा हूं। तो भाई गलती क्यों कर रहे हो कि आप अगले की नजर में मेरे आने वाले जो मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे भाई बंधु लोग हैं, उनको मैं तकलीफ में डालूं सिर्फ 18,000 के लिए, जिसके लिए सिर्फ 3 महीने खाना का कि जिया, तेरी बीवी बच्चे का कपड़ा आ रहा है, ये आपने सोचा कभी? नहीं। बस भागो। मेरे जो गाँव के दूसरे लोग आए उनको इज्जत भले ना मिले, आज इसे कोई बैचलर को मुंह में रूम नहीं देता, आज कोई नहीं देता। क्यों? इतने फालतूगिरी की वजह से। बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं बैचलर में भी, इतने अच्छे अच्छे लड़के कि पूछो मत। बस एक कमीनों की गलती की वजह से उनको कोई रूम नहीं देता।
क्योंकि हमने गलत करके भागा है, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे इंडिया के किसी भी राज्य का हो। अभी भी वक्त है, आप अपने आप को बदलो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो मर गए उनके लिए मैं शांति, जो वहाँ पे मारे गए उनके लिए मैं दिल से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरी बात शायद उनको बुरी लगी हो, मगर जो सच है उन्हें आपके बोलने से बदला जा सकता है, ना किसी के बोलने से। मगर मैं ये जरा ये तो मैं बोल सकता कि खुद ये जो तीनों का चारों राज्य जो भी जिसको मार रहे हैं, मार के भगा रहे हैं, मारे गए, उनके कारण हम खुद ही हैं, कहीं ना कहीं उनके कारण हम खुद ही हैं। अब चाहे आपको यकीन करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो आपकी मर्जी, बट जो सच है वो सच है। पुलिस काम नहीं करी, मतलब कोई भी आदमी आके किसी को गाजर से काट के चल जाए, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। कौन सी जगह पे आपने दिखा का पिक्चर चल रही है, फिल्म चल रही है, कानून सबके लिए एक होता है, फिल्म चल रही है, आपने बोल दिया। अभी मैंने देखा एक कि वो बोलता है पुलिस बोलती पुलिस के सामने काट रहा, पुलिस कुछ नहीं बोल रही है। तो उस भाई से पूछा जाता, तू भाई वहां फिल्म चल रही है क्या, कुछ भी। कितना आदमी झूठ बोल रहा है, जहां चार साल से उसके परिवार का पेट पल रहा है, उस जगह को बदनाम और बुरा बोल रहा है, तो आप सोच सकते हो वो आदमी कितना नीचे गिर सकता है। मेरा 100 बात की सिर्फ एक ही बात है, मुझे से ज्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ मुझे रहना भी नहीं है। अच्छा हुआ ऐसे लोगों को मारा जा रहा है। मैं खुल के दिल से सब कहता हूं, मारे उन्होंने बहुत अच्छा किया, जान से नहीं मारना चाहिए, ये गलत है, उनको मारा गया ये अच्छा किया, क्योंकि उनकी गलती का एहसास होना चाहिए। मारा 2 को 200 के बदले 200 लोगों को मारा गया, क्यों झूठ बोले? किसी के पास वीडियो एविडेंस मतलब प्रूफ है कि भाई मुझे मारा गया, मेरा वीडियो है, देखो ये मेरे भाई को मारा, मैंने वीडियो बना के देखा, नहीं है। बस एक ने सुना कि फलाने अभी एग्जांपल दादर में किसी को भैया लोगों को मारा, गोरेगांव आदमी गांव भाग गया, बोलता भरे मेरे सामने मार रहा था। आज जितने देखने वाला चूतिया, बोलने वाला चूतिया, उतना दिखाने वाला चूतिया, और उससे ज्यादा सुनने वाला भी चूतिया ही है, क्योंकि हिजड़े के लोग हैं जो किसी की बात पे बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। बुरा मत मानना मैं अपनी बातों को जो मैं गलत बोल रहा हूँ, पर गांडू लोग साले को अक्कल चाहिए सोचने से पहले, वो गांडू ने उसका प्रूफ है क्या कि उसने किसी को मारा? किसी चूतियों के पास है प्रूफ? सिर्फ आके कुत्ते से भोग दिया, आपने मान लिया। जब प्रूफ नहीं है तो उसके बात का कोई वैल्यू नहीं है। और मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। अब मिलते हैं किसी नए बकचोदी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।